अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम मेहंदी और आप देख रहे हैं पीके व्लॉग चैनल। दोस्तों आज हम व्लॉग की वीडियो तो स्टार्ट नहीं कर रहे, लिहाजा आप हमारे हाथ में ये माइक देख रहे हैं। तो मेरे पास माइक नहीं था, तो आप हमारी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, तो शायद आपने देखी भी होंगी। तो उसमें हम जुगाड़ लगाते थे, हम अपने मोबाइल के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। तो मैंने कहा कि चलो आज माइक लेने जाते हैं। जब हम बाज़ार गए वहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा थी माइक की, तो 3,000 से स्टार्ट हो रहे थे और 14,000 तक जाके ब्रेक लग रही थी माइक। तो ये बहुत आसानी से माइक हमने बना लिया है, तो हमने ये न्यू माइक बनाया अपना खुद का। तो हम दिखाते हैं आपको कि हमने बनाया कैसे है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम दिखाते हैं हमने ये माइक कैसे बनाया, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। तो जी दोस्तों, ये है हमारा बोया माइक जो हमने आज ही परचेज़ किया है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो तकरीबन 80% यूट्यूबर इसी माइक का इस्तेमाल करते हैं, ये कॉलर माइक है। तो आज इसके साथ हम एक जुगाड़ लगाने वाले हैं, देसी जुगाड़। तो चेक कर लें, अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए बोया वाले हमें क्या क्या दे रहे हैं इसमें। तो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें क्या क्या है। ये है इसका पाउच और इसमें क्या क्या चीज़ है। ये एक बुक है इसकी। तो और क्या चीज़ है इसमें, ये है एक रैपर। इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं हमें, ये देखें। ये प्लग है ना, जो ये वाला, ये अगर आपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, मोबाइल में यूज़ करना है, ये मोबाइल के लिए तो नहीं बना है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और ये है इसका क्लिप जिसके साथ माइक लगेगा, यहाँ पे लगेगा माइक। तो उसके साथ ये फॉर्म है जो माइक के ऊपर लगेगा। तो चलिए हम बॉक्स खोल के देखते हैं इसमें असल में है क्या। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये है हमारा बोया माइक। देखें ये, तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने किसी कैमरा DSLR या कैमरा किसी चीज़ में के रिकॉर्डिंग करनी है कैमरे में, तो ये जो बटन है ना, इसको ऊपर कर देना है ऐसे, और उसके बाद फिर आपकी कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे इस माइक को यूज़ में लेना चाहते हैं, तो आप इसको ऑफ ही रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। तो इसमें एक बैटरी डलती है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चेक कर सकते हैं आप, बैटरी है इसमें। ये बैटरी उस वक्त काम आएगी जब हम कैमरे पर शूट करेंगे, इसको इस बटन को ऊपर करेंगे तब ये बैटरी काम आएगी, अदरवाइज़ ये बैटरी का काम नहीं। अगर हम शूट कर रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, तो इसको ऑफ ही रहने दें। तो ये थी बैटरी जो हमने आपको दिखाई है इसकी। तो ये रहा हमारा माइक। ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाया किधर गया, ये वाला, यहाँ पर ये इस जगह पर लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये बाद में आप कॉलर में कहीं भी लगाकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत लेंथ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आप काफ़ी दूर तक अपनी वीडियो जो है शूट कर सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी लंबी वायर है इसकी। तो उसके बाद ये देखें कितनी सारी इसकी वायर है, ये। तो चलें खोल के देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी पिन है, ये दोस्तों जो ये जो होगी, ये दोस्तों जो पिन है ना, ये वाली हमारे मोबाइल में आसानी से लग जाएगी जहाँ पर हम हैंड फ्री का यूज़ करते हैं। तो ये देखें, तो उसके बाद ये देखें काफ़ी लंबी तार है इसकी।
तो ये देखें काफ़ी लंबी इसकी वायर है, चेक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये तो हमारा था बोया माइक जो हमने इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई है, ठीक है। तो अब इसकी कीमत की बात करते हैं, तो ये दोस्तों बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, बाज़ार में अवेलेबल है। तो इसकी कीमत है जो मुझे मिला है 1500 का। दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक है ये, तो बहुत मुनासिब कीमत में मिल गया है मुझे 1500 का। तो जो शॉप ओनर था उनका कहना था कि ये बहुत मार्केट में चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी सेल हो रही है। तो ये उन्होंने हमसे कहा था कि भाई ये आपको 1650 का मिल जाएगा। तो जैसा जैसा करके हमने 1500 में ये परचेज़ कर लिया। तो चलें हम अब देसी जुगाड़ लगाने की बात करते हैं कि हम अपना माइक कैसे तैयार करेंगे। तो ये तो था हमारा माइक, इसको हम साइड पे कर दें। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये हमारे पास एक पाइप है, स्टील पाइप, जो कि हार्डवेयर दुकान से मिल जाएगा। और ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने टेप लगाई है इसके ऊपर खूबसूरती के लिए। ये आपको टेप मिलेगी जो मोटरसाइकिल बाइक वाली दुकान है ना, जहाँ पे वो स्टिकर वगैरह लगवाते हैं नंबर प्लेट के ऊपर, वहाँ से आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। ये तकरीबन 50 रुपये में ये सारा काम हो जाएगा, शायद उससे भी कम हो जाए। तो ये था हमारा पाइप, इसकी लेंथ है 1 फुट, 1 फुट का मैंने लिया है। ये 50 रुपये का मिल गया है मुझे, ठीक है, 50 रुपये का। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर मैंने कट लगवाया है इसको, इसके ऊपर मैंने टेप जो कर दी है। यहाँ से हम अपनी वायर गुजारेंगे वो माइक की, ठीक है। टेप मैंने इस वजह से लगाई है कि हमारी जो वायर है उसको नुकसान ना हो। तो आगे दिखाते हैं आपको। ये बॉक्स है हमारा लोगो के लिए, लोगो बॉक्स है। ये भी मिल जाएगा जहाँ से आप ये माइक वगैरह परचेस करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। उनको कहना कि भाई हमें लोगो बॉक्स चाहिए। तो ये दोस्तों ये मुझे कितने में मिला है, ये मुझे 350 में मिला है, 350 में। ये ओरिजिनल क्वालिटी है, इसमें कॉपी भी होती है, वो बहुत हल्का होता है, उसका फ़ायदा नहीं है। चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी फोम लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी शेप में बना है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, तो ये चाइना का है, ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। तो चलें आगे क्या है हमारे पास। ये है हमारे माइक का फोम, ठीक है, जो हमारे माइक के ऊपर लगेगा। दोस्तों ये मैंने ना ये अलग से फोम लगाया है इसके अंदर, तो ये वाला फोम मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसकी फिटिंग के हिसाब से मैंने इसको बनाया और अंदर डाल दिया है। तो इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये मुझे 350 में मिला है, तो बहुत मुनासिब कीमत है। ये असल में वो वाला स्पंज है जो कि मीडिया माइक के ऊपर लगता है, मीडिया वाले लेके जाते हैं वहाँ से, भाई कह रहे थे। तो ये था हमारा फोम। अच्छा दोस्तों ये हमारे पास एक और चीज़ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी भी फ़ोटो स्टूडियो की दुकान से आप अपना लोगो भी बनवा सकते हैं, स्टिकर है ये वाला। उनको बोल सकते हैं कि भाई हमें स्टिकर में बना के देना लोगो, तो जैसा भी डिज़ाइन करवाना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपका क्या लोगो है। ज़ाहरी बात है लोगो लगा होगा आपके चैनल पर, तो वो चैनल की जो पिक है ना वो आपने लेकर चले जानी है वहाँ पे अपने मोबाइल में डालकर, तो वहाँ पर लेकर चले जानी है। उनको बोलना कि भाई हमको ये वाला लोगो तैयार करके दें तस्वीर में, ये मतलब स्टिकर है ये वाला, ये चेक कर सकते हैं आप, ये मेरे चैनल का लोगो है। तो ये लगेगा इधर, ठीक है, तो मैं लगाता हूँ इसके ऊपर। ये है स्टिकर, ये देखें,
तो अब हम लगाते हैं इसको अपने लोगो बॉक्स के ऊपर। ये देखें, ये लग गया है, ठीक है। अब हम इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, और उसके बाद हम इधर भी लगा देते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि असल में इसको तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये अपना बोया माइक लेते हैं। ये हमने यहाँ से गुजारना है इसको, ये जो कट लगा हुआ है ना, इस तरफ से हमने इसको गुजारना है अपनी वायर को। तो ये देखें, पहले तो दोस्तों सबसे पहले हमको एक वाशल की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी एक ये वाशल की हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, देख सकते हैं आप, ये इसको थोड़ा सा घुमाते हैं ऐसे, ये देखें ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसको टांके भी लगवा सकते हैं, ठीक है, इधर, और नहीं भी लगा सकते, हम नहीं लगाने वाले। तो ये हमारा इधर माइक, तो ये वाशर हमने इस वजह से यहाँ पे रखी है, अगर हम वायर को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करते हैं तो ये माइक इधर अटक जाता है, मतलब नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद सॉरी, ये वायर डालने से पहले ये डालना था हमको, अपना जो माइक है ना, ये डालना था। आजा भी बाहर, आजा 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 आजा, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से हमने इसको डाल लिया इधर, ये उल्टा तो नहीं हो गया, चलें कोई बात नहीं, ऐसे आप लोगों ने डाल लेना इसको, ठीक है। और उसके बाद ये वायर को हमने अपनी जगह पर एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर इधर, ठीक हो गया दोस्तों। ये है हमारा देसी जुगाड़। अब हम ये वाला फोम है ना, जो ये वाला, ये फोम इसके ऊपर डाल देंगे। ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसके ऊपर आसानी से चढ़ने वाला नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके आपको अपना माइक भी बचाते हुए इसको इसके ऊपर चढ़ाना ज़रूर है, ठीक है। तो मैं चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, नहीं हम इसको निकालेंगे पहले, इसको ये देखें, ये फॉर्म मैंने रोल किया हुआ है, ये चेक कर सकते हैं आप ऐसे। तो सबसे पहले हम ये माइक इसमें से भी गुजारेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये वाशल भी इधर से गुजारेंगे हम, ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है इधर ऐसे, ठीक है। तो अब हम इसको इसके ऊपर चढ़ा लेंगे दोस्तों। इसके पीछे हम ना यहाँ पर टेप करेंगे, टेप, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। तो ये हमारे पास से टेप, तो इधर हम इसको लगाने वाले हैं यहाँ पर,
क्योंकि वाशल का सराख काफ़ी बड़ा है तो उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी सी टेप लगानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं, कि अब ये काम करता है या नहीं। तो जी दोस्तों, फाइनली ये अब नीचे नहीं जा रही है ये वाशल, आप चेक कर सकते हैं ये अब नीचे नहीं जा रही है। तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे इधर फॉर्म के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। और ये हमारी वायर भी इधर टाइट हो गई है, तो ये देखें, ठीक है। अब बारी है हमारे इस फॉर्म की, इसके ऊपर चढ़ाने की। तो अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हम इधर भी अपनी, किधर गई है भाई टेप, हम ये टेप थोड़ी सी और इस्तेमाल में लेते हैं। तो ये देखे दोस्तों, अब ये परफेक्ट तरीके से ना यहाँ पे वाशल भी अटक जाएगी यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर अब बारी है ये फॉर्म की, ये हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे हल्का हल्का घुमा कर ना इसको इसके ऊपर चढ़ा देना है। अभी खाली जगह है, पीछे और पीछे जाएगा ये। तो ये देखें दोस्तों, कुछ इस तरह का नजर आएगा आपका ये माइक। और ये दोस्तों फाइनली इसके ऊपर हमने चढ़ा दिया है। तो यहाँ से ना आप पहले ही चेक कर लेना अपने हिसाब से, टेप थोड़ी सी ज़्यादा करवा लेना, पूरे पाइप के ऊपर करवा लें तो बेहतर होगा, बाद में ये मसला नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ है। अब इसके ऊपर हम ये जो है ब्लैक कलर की ये टेप है, हम ये इसके ऊपर लगा देंगे ताकि यहाँ से थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो हम इसके ऊपर टेप लगा रहे हैं, ये देखें, आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर टेप लगा देनी है, ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ताकि आपका माइक खूबसूरत नजर आए। तो जी दोस्तों, ये था हमारा देसी जुगाड़। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे अपने इसको एडजस्ट करना है, इधर कर लें इधर कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये फाइनली हमारा जो माइक है ये तैयार हो चुका है। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, मैंने नोट किया है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत हिलता डुलता है। तो आप इसके ऊपर सोल्यूशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हल्का हल्का सा सोल्यूशन लगा कर और बड़े ही प्यार से इसको ऐसे घुमा घुमा कर इसको ऊपर कर लेना है जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं। तो ये फाइनली हमारा जो माइक है तो ये तैयार हो चुका है, चेक कर सकते हैं आप। तो इसके साथ काफ़ी लंबी वायर भी है, जितनी दूर आपका दिल चाहे आप वहाँ से शूट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये तो ये देख सकते हैं।
अच्छा दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो हमने नीचे यहाँ पे कट लगवाया था ना, ये वाला, ये आप ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर अच्छे तरीके से ना जितना हो सके आपने टेप को लगा देना है, या फिर कोई और जुगाड़ है आपके पास तो इसकी जो बचत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे धारादार ना काफ़ी सारा इसका ये चेक कर सकते हैं, हाथ कट रहे हैं, तो वायर क्या चीज़ है इसके आगे, तो इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ये लेते हैं फॉर्म, ठीक है, तो फॉर्म को हम ऐसे रोल कर देंगे, रोल करने के बाद हमने यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पे, ठीक है, ये ज्यादा नीचे चला गया, तो ये देखें ये वायर अब महफूज है, इधर से भी महफूज है, ये जो किनारे हैं ना, ये वाले, ये जो किनारे हैं, ये साइडों के, यहाँ से भी अपनी हमारी वायर जो है वो सेफ हो गई है, और इधर से भी हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम फाइनली इसके ऊपर एक और काम करते हैं, इधर भी हम टेप लगाकर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे, तो देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना खूबसूरत माइक हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको ना टेस्ट करके देखते हैं। तो जी दोस्तों, फाइनली हमारा माइक तैयार हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा हमारा माइक। तो दोस्तों ऑडियो क्वालिटी आप लोगों ने हमको बतानी है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, तो माइक की मैं तो चेक कर नहीं सकता, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो मैं बोल रहा हूँ और रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मुझे इसका पता नहीं है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और आप लोगों को, और ये आप लोगों को पसंद आया है या नहीं पसंद आया, तो आप लोगों ने हमें बताना है। तो ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ा है मुझे, मेरे कितने पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा तो ख़र्चा नहीं हुआ इसके ऊपर, ये 2500 में तैयार हो गया है। तो इसको तैयार कैसे किया है वो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ के लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान। Thanks for watching this video.